शायद श्रावस्ती में अपना जन्मदिन का कार्यक्रम देखने की स्थिति में अटल जी होते तो जरूर शर्मिंदा हो जाते। उनके विचारों की विरासत संभाल रहे लोगों ने मंच पर कुछ ऐसा माहौल बनाया कि समझ ही नहीं आया ये कोई बार बालाओं का कार्यक्रम है या सियासत के शिखर पुरुष का जन्मदिन समारोह। क्या भाजपाइयों ने सारे संस्कारों को ठुमकों पर स्वाहा कर दिया? बिस्तर पर अटल पड़े अटल जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके विचारों के वारिस उनके जन्मदिन का ऐसा तोहफा देंगे। कभी उस महान शख्सियत को अपनी रैली या सभा में भीड़ जुटाने के लिए वो सब नहीं करना होगा जो उनका जन्मदिन मनाने के लिए भाजपाइयों ने किया। पच्चीस दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन था। 26 दिसंबर को श्रावस्ती में भाजपाइयों ने एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। मंच पर मुख्य अतिथि मंत्री सुरेश पासी और भाजपा सांसद ददन मिश्रा को पहुंचना था, लेकिन उनसे पहले ही भाजपाइयों ने मंच पर बार बालाओं को उतार दिया। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सुरेश पासी और बीजेपी सांसद ददन मिश्र के इंतजार में लोग बैठे थे। भीड़ कहीं भाग न जाए इसलिए आयोजकों ने मंच पर बार बालाओं को उतार कर जमकर डांस करवाया। मंच पर पहले से कई बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद थे जो मंच पर चल रहे इस डांस को देखकर मजा ले रहे थे। ये डांस तब रुका जब मंच पर मंत्री और सांसद पहुंच गए और मंत्री के मंच से उतरने से पहले फिर बार बालाओं का डांस शुरू हो गया। बीजेपी को यह भी नहीं पता कि अटल जी के जन्मदिन पे क्या करवाना चाहिए था। अटल जी के जन्मदिन पे आपको कवि सम्मेलन रखवाना चाहिए, ना कि बार बालाओं का डांस। अब बीजेपी किस दिशा में जा रही है अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। ये मसला कहाँ कैसे हुआ है इस पूरे मसले का संज्ञान लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मंच पर यदि मंत्री की उपस्थिति में या जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस प्रकार का कोई अशोभनीय नृत्य हुआ है तो पार्टी इस बात को संज्ञान में लेगी और कठोरता से कार्रवाई करेगी। अटल के विचारों पर अटल रहने का दावा करने वाली बीजेपी का ये चेहरा श्रावस्ती ने देखा। अगर अटल ये सब देखते तो जरूर शर्मिंदा हो जाते। श्रावस्ती से समाचार प्लस के लिए नावेद अख्तर की रिपोर्ट।